हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में और क्रूड ऑयल का प्रीवियस पॉइंट, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और क्रूड ऑयल का क्या पैटर्न बना के रखा हुआ है उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर ले क्रूड ऑयल का प्रीवियस पॉइंट और इसका आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं आज क्रूड ऑयल का प्रीवियस पॉइंट है 5045। ये क्रूड ऑयल का ऊपर ही मार्केट अभी भी है, तो यह पिवट पॉइंट के ऊपर ही क्रूड ऑयल अभी भी है, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंट है क्रूड ऑयल का 5128 एंड सेकेंड रेजिस्टेंट 2501 एंड थर्ड 2584। फर्स्ट सपोर्ट 4972, सेकेंड सपोर्ट 4889, थर्ड सपोर्ट 4816। तो अगर 4 आवर में देखेंगे तो क्रूड ऑयल आप देख सकता है, जैसे कल मैंने बात किया था आपको, क्रूड ऑयल ये 50 मूविंग एवरेज से यहाँ से बाउंस बैक करके ट्रिपल टॉप बना सकता है। तो देख सकता है यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 4 आवर में देख सकता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। और ये रेजिस्टेंट था, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टाइम अटेम्प्ट किया इसको तोड़ने के लिए। तो मुझे यहाँ से एक कन्फर्म किया हुआ है, तो अगर ये 3 टाइम इसको अटेम्प्ट किया था ब्रेक करने के लिए, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो आज अगर आपको यहाँ से मार्केट मतलब बाय लेना है तो क्रूड ऑयल आप इसका ऊपर ही लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज क्रूड ऑयल ये ट्रिपल इसको तोड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। तो अगर बाय लेना है तो इसका ऊपर ही लेना पड़ेगा, जैसे 5105 में, क्योंकि आज क्रूड ऑयल का मार्केट वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आज क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का रिजल्ट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिजल्ट है और एक्चुअल था आपका -5.3 M और फोरकास्ट किया हुआ है -2.7 M। तो यहाँ से कन्फर्म कर रहे हैं कि मार्केट आज वॉलीटिलिटी ज़्यादा होगा। अगर वो एक्चुअल फोरकास्ट से भी ज़्यादा या कम आ गया तो मुझे लगता है ये जो ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है तो इसको तोड़ के निकल सकता है। तो नहीं तो आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल शेप पैटर्न फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, जैसा ये आप देख सकते हैं ये, तो ये जो ट्राइंगल शेप फॉर्म क्या हुआ है, मुझे लगता है इसको तोड़ के नीचे आ सकता है 200 मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ पे होगा 4804। तो हम अगर स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट का देखें तो अभी क्या पैटर्न में है, तो अभी मार्केट ये रेंज में चल रहा है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक ये रेंज, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल अभी ये एक रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये तो वीक रेजिस्टेंट है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट एक स्मॉल टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, ये 5 मिनट का स्मॉल टाइम फ्रेम है और मार्केट रेंज भी ये है। तो ये रेंज में अभी चल रहा है मार्केट, तो इसको तोड़ेगा तो थोड़ा ऊपर जा सकता है यहाँ तक 5104 तक फिर से। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता थोड़ा ऊपर ये लेवल को तोड़ेगा, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत नीचे अभी आ सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।